140 डॉक्यूमेंट हैं। अगर इस 140 डॉक्यूमेंट को आप लोग को मुझे व्हाट्सएप करना है और सबका नाम 1 2 3 4 करके दिए हुए हैं, एक बार में धड़ाधड़ टिंग 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 आवाज़ आती रही, 140 आपको व्हाट्सएप आ गया। अब आप जब डाउनलोड किए तो आपको सबको पढ़ने में 140 140 और सब एक जगह जाके मिक्स हो जाएगा, हाँ या ना। तो जिप करने का एक फायदा और है कि 140 फाइल को जिप किए तो बन कितनी जाएगी फाइल, एक। तो इस एक को उठा के कहीं मूव करना आसान है या 140 को? आप मोबाइल में अगर ये काम करें तो 140 बार क्लिक करेंगे, इस बीच में फोन आ गया डिसलेक्ट, इस बीच में कोई नोटिफिकेशन आया खत्म, इस बीच में व्हाट्सएप का कुछ करने लगे खत्म। बात समझ में आ रही है या कोई डाउट है? क्योंकि मोबाइल सिंगल यूजर है और सिंगल एप्लीकेशन फंक्शनर है, एक बार में एक ही एप्लीकेशन फंक्शन करेगा। कोई डाउट है? जिप समझ में आ गया? तो पॉपुलर जिप कौन कौन से है आपके? जिप, विन जिप एंड विन रार। विन जिप आपका पेड वर्जन है और विन रार फ्री वर्जन में चलता है। ठीक, नेक्स्ट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फर्स्ट लाइन लिखिए, एस कैन परफॉर्म, एस कैन परफॉर्म सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब्स, सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब्स। इसका मतलब समझ लीजिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो किसी खास काम के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे आपको छोटी मोटी ड्राइंग बनानी है, आप कैलकुलेटर खोलेंगे, क्या खोलेंगे, पेंट ब्रश, वो छोटी मोटी ड्राइंग के लिए बना है। अगर आपको मूवी चलानी है तो आप फोटो एडिटर खोलेंगे कि मूवी प्लेयर खोलेंगे, दैट इज VLC, हाँ या ना। तो VLC का भी एक स्पेशल काम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ही होता है कि उसका एक बाउंड्री होता है और उस बाउंड्री में रिलेटेड करने वाले जितने भी काम है वो कर सकता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? कुछ ऐसे हैं जो बहुत सारे काम कर सकते हैं लेकिन सब काम नहीं कर। ओके, कोई डाउट? सेकंड, इट हैव सम बाउंडेशन, इट हैव सम बाउंडेशन टू डू सम सर्टेन टास्क,